राहुल बजाज ने जो सवाल उठाए, आपको लगता है सरकार को आईना दिखाने का काम किया? राहुल बजाज स्वर्गीय जमनालाल बजाज के पोते हैं। स्वर्गीय बजाज भी गांधी जी के शिष्य थे, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष थे, फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने सेवाग्राम आश्रम बनाया। उनके ग्रैंडसन से ही उम्मीद की जाती थी देशवासियों को। बहुत बोल्डली उन्होंने जो बात कही है माननीय गृह मंत्री जी की मौजूदगी के अंदर, उससे मैं उम्मीद करता हूं कि गृह मंत्री जी ने जो कमेंट वापस किया है उससे सरकार की आंखें खुलेगी, सरकार में सोच पैदा होगी किस दिशा में देश जा रहा है, अर्थव्यवस्था जा रही है। और मिस्टर बजाज, राहुल बजाज के बोलने के बाद में कल पार्लियामेंट के अंदर देखा आपने, खुल के लोग बोलने लगे हैं, उद्यमी खुल के बोलने लगे हैं, वरना सब उद्यमी, बड़े बड़े उद्यमी मुंह पे ताले लगे हुए थे। परसों तक जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बोले हैं, जब मिस्टर राहुल बजाज बोले हैं, उसके बाद में मैं उम्मीद करता हूँ कि उद्यमों को, बड़े बड़े उद्योगपति, उनमें हिम्मत आएगी बोलने की। बर्बाद सब हो रहे थे, छोटे बड़े व्यापारी बर्बाद हो रहे थे, उद्यमी बर्बाद हो रहे थे, पर बोलने की हिम्मत किसी की नहीं हो रही थी। अब जाके राहुल बजाज जी के बोलने के बाद में और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो कच्चा चीरा प्रस्तुत किया देश का, कि आज देश संकट के अंदर आ चुका है, संकटग्रस्त हो चुका है अर्थव्यवस्था के रूप में, और ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं और स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि वो स्वीकार भी करेंगे, उनको कुछ करने पड़ेंगे कार्रवाइयाँ, जिससे कि अर्थव्यवस्था की पटरी पर वापस स्थिति बने, ये मेरा मानना है। तो मैं साधुवाद देता हूँ राहुल बजाज को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक माहौल अब देश में जो है सुधार आएगा, देश का भला होगा। सर, नई स्वास्थ्य नीति भी लेकर आ रहे हैं, निरोग राजस्थान, निरोग राजस्थान का जो है कंसेप्ट वो हम लोग बना रहे हैं। 17 तारीख को जब एक साल पूरे होंगे सरकार के, तब हम चाहेंगे लॉन्च करें। निरोगी राजस्थान कैसे बने ये हमारा ध्येय है, क्योंकि आज भी पूरे मुल्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ राजस्थान राज्य ऐसा है जहाँ पर आयुष्मान भारत के अलावा, जो भामाशाह का नाम था वो तो बदल के गांधी जी के नाम का हो गया है, भामाशाह की जो स्कीम थी उसमें बहुत करप्शन हो रहा था, तो आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी बीमा, राजस्थान बीमा योजना हुआ है, लाभ सबको मिलता रहेगा, एक व्यक्ति का लाभ कम नहीं होगा, बल्कि 10 लाख लोगों का लाभ, 10 लाख लोगों को लाभ अधिक मिलेगा। पहले 1 करोड़ थे, अब 1 करोड़ 10 लाख लोगों को मिलेगा। परंतु साथ साथ में ये मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान के अलावा भी जो फ्री टेस्ट हो रहे हैं वो देश में कहीं नहीं हो रहे हैं। वो जो स्कीमें हैं आयुष्मान भारत वाली, वो तमाम स्कीमें हैं इंडोर पेशेंट के लिए, जो भर्ती होता है उसके लिए। राजस्थान सरकार वो सरकार है जिसने दवाएं फ्री कर रखी है, पहले 600-700 थी, अब 900 हो गई, और साथ में हमारे ये टेस्ट बढ़ गए, बल्कि जो सीनियर सिटीजन्स है उनका MRI सीटी स्कैन फ्री होता है, और जहाँ मशीनें नहीं है वहाँ मशीन लगाने का प्रयास कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज करीब पर राजस्थान के हर जिले में जाएगी, 2-3 जिले बाकी थे, कल हमने निर्णय किया वहाँ भी कॉलेज खुले। तो एक प्रकार से राजस्थान मॉडल बनेगा देश के अंदर, जहाँ हर जिले में मेडिकल कॉलेज, दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, और आयुष्मान भारत की जो स्कीम है जो मर्ज कर दी गई है उसके अंतर्गत जो लाभ मिलना 5 लाख रुपए तक का वो मिलता रहेगा। इस प्रकार से मैं चाहता हूँ कि लोगों में भार नहीं पड़े, और इसीलिए मैंने कहा कि राइट टू हेल्थ, जिस प्रकार सोनिया गांधी जी ने और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो नरेगा लेके आए थे, कानून बना करके रोजगार का अधिकार मिला लोगों को, शिक्षा का अधिकार मिला उस वक्त में, फूड सिक्योरिटी का लाए वहाँ पर, भोजन का अधिकार मिला, सूचना का अधिकार मिला, उसी रूप में स्वास्थ्य का अधिकार मिले, ये मैं चाहूँगा कि अल्टीमेटली केंद्र सरकार खुद आगे आए, पार्लियामेंट में कानून पास करे पूरे देशवासियों के लिए। सोशल सिक्योरिटी होना आवश्यक है, बहुत बड़ा भार पड़ता है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के,
तो क्यों नहीं हम राइट टू हेल्थ लेके आए, जिससे कि विश्वास पैदा हो लोगों का कि जीने का अधिकार सबको है, सरकार हमारे साथ खड़ी है, ये मेरा मानना है। प्रियंका गांधी की सुरक्षा में बड़ा खिलवाड़ हुआ है, गाड़ी उनके घर में घुस गई, कुछ लोगों ने सेल्फी लेने की कोशिश की है। देखिए ये तो जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी और जो कमीशन बैठा था जे एस वर्मा कमीशन, जो सीजीआई थे वो रिटायरमेंट के बाद में, उन्होंने कहा था अगर राजीव गांधी से एसपी नहीं हटाई जाती तो उनकी जान बच सकती थी। तो क्या इन लोगों को दिखता नहीं है कि किस प्रकार से इनके परिवार के दो लोगों ने, एक प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इंदिरा गांधी ने जान दे दी, इसीलिए एसपीजी बनी। उसके बाद में राजीव गांधी शहीद हो गए क्योंकि एसपी हटा दी गई, तो ये क्या तुक हटाने का, कोई तुक तो था नहीं, कोई तुक नहीं था। और जो आर्ग्यूमेंट देते हैं कई बार उपयोग नहीं किया, कोई नई बात नहीं है, प्रधानमंत्री खुद नहीं करते हैं, हम लोग भी नहीं करते हैं। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि सिक्योरिटी जो मिली हुई है बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठने का हो, या पीएस साथ देते हैं, या अचानक प्रोग्राम बन गए, कई बार साथ नहीं देते, ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हटाने का। आप वार्न कर सकते हो तो भाई आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, आप कृपा करके ध्यान रखें, पर जो आर्ग्यूमेंट दिए गए बड़े लचीले भी हैं, हैशियत भी हैं, और तुनक मिराजी के ध्वनि उसमें से निकलती है, तुनक मिराजी की ध्वनि निकलती है। सर सरकार 50% छूट दे रही है, बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में उनके आह्वान पर प्रदर्शन जिलों में हुए हैं, सब राज्यों में, प्रदेश में हुए हैं। अब 14 तारीख को होगा दिल्ली की राजधानी में, देश की राजधानी में दिल्ली, रामलीला मैदान में, और हजारों लाखों कार्यकर्ता आएंगे पूरे देश भर से, एक सबक सिखाएंगे, आह्वान करेंगे किस प्रकार देश किस दिशा में जा रहा है, किस प्रकार लोकतंत्र खतरे में है, किस प्रकार अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई है, किस प्रकार नौकरी मिल नहीं है बल्कि जा रही है, व्यापार धंधे ठप पड़े हैं, तमाम बातें वहाँ कही जाएगी। और मैं समझता हूँ कि सरकार को जो उनकी जो अहम और घमंड है वो तोड़ने के लिए वो रैली बहुत बड़ी कारगर साबित होगी। ठीक है।